हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग एकदम बढ़िया तो हम लोग बच्चे आज के शैशन के अंदर लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट मैं आज आपके साथ शुरू कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल देखा था आप सभी लोग मेरे को जानते ही होंगे दिस इज़ डॉक्टर शिवानी भार्गव मैं रोज़ रोज यहाँ पर आती हूँ आपको पढ़ाने अब आप जान गए होंगे मेरे पास कल भी ये दिक्कत हो रही थी आज भी मुझे शो नहीं हो रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बट मुझे पता है आप नालायक बच्चे थोड़े से कम ही होंगे तो फटाफट से लिंक को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज कीजिए जल्दी जल्दी ठीक है तो बच्चे इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँ कल का क्लास अच्छा अभी जो जो नए नए बच्चे जुड़े हैं सभी लोग हमारे पास अभी सफिशियंट टाइम है ठीक है अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से अगर हम शुरुआत करें इनिशियल से तो हम बहुत अच्छे से अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं तो लास्ट सेशन में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस क्या है ये सारा का सारा आपके साथ डिस्कस किया था कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़कर आए हैं और फटाफट से मेरे को यहाँ पर हैंड्स अप करिए कि बहुत अच्छे से आप करके आए हो आज के सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वैंड बायनोमियल सिस्टम आईसीबी एन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉम एंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ट्राइनोमियल सिस्टम मैं ये सारा कुछ आज आपके साथ अपने सेशन में स्टार्ट करूंगी ठीक है उससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट मैं अपना क्लास स्टार्ट करूं मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में फटाफट से कुछ बता देती हूँ बेटा यूट्यूब के साथ साथ ही हमारा एक पेड प्लेटफॉर्म है प्लस प्लेटफॉर्म वहां पर भी मैं और मेरे साथ इंडिया के फोर्टी प्लस टॉप एडुकेटर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल लाइव पढ़ाते हैं तो आप चाहें तो हम लोगों के साथ वहां जुड़कर भी अपने साल भर नीट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं वहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और चांस आपकी कोई क्लास छूट जाती है उस क्लासेस में रिकॉर्डेड उस रिकॉर्डेड uh, वीडियोज भी उसके अवेलेबल होते हैं वहां पर पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है डे वन पर ही आपको पूरे महीने भर का शेड्यूल मिल जाता है कि कितने बजे कौन सी क्लास और उसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा साथ ही साथ अपन जो भी पढ़ रहे हैं उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है ठीक है हमें कितना याद हो रहा है हम कहाँ गलतियां करते हैं इसके लिए टेस्ट और क्विजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो वहाँ पर वीकली क्विजेज होते हैं मंथली क्विजेज होते हैं टेस्ट वहाँ पर आपके लिए जाते हैं बिल्कुल आपको अपनी पोजीशन पता लगती है क्योंकि वहाँ लीडर बोर्ड रिजल्ट होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन में कौन आया सारी चीज़ें वो सिस्टमेटिक पूरा फॉर्मेट वहाँ पर चलता है तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज वहाँ पर आपको देखने मिलते हैं और सबसे खास बात जो है हमारे इस चैनल की जो हमें सबसे अलग बनाती है वो ये कि जस्ट आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मतलब आपको एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया तो ऐसा नहीं कि आपने मेरा कोड यूज किया शिवानी आप सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हैं केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन से जो पूरा सागर है यहाँ पर टॉप फैकल्टीज का जहां पर 40 प्लस टॉप एडुकेटर्स नीट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के बहुत सारे एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन वो सबके सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे जिस भी फैकल्टी से आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता हो जिस भी टॉपिक में आप उनके साथ पढ़ सकते हैं ये सबसे अच्छी चीज है हमारे इस प्लस, प्लस प्लेटफॉर्म की ठीक है यहाँ पर ये कुछ इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स दे रखे हैं जहां पर हम लोग पढ़ाते हैं आपको और यहाँ पर मेरा कोर्स भी चल रहा है प्लस पर यह बच्चा प्लान डाइवर्सिटी लिखा हुआ है एक्चुअली ईयर लॉन्ग कोर्स ही है इसका नाम यहाँ पर उसमें पहला मॉड्यूल मैंने प्लान डाइवर्सिटी अभी सिक्सटीन से शुरू किया था ठीक है तो प्लान डाइवर्सिटी जो है और अगर आप हमसे अपने साल भर नीट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सिंपली प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि ये सब प्लस पर अवेलेबल है बेटा तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप कैसे लोगे आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर अनअकेडमी के लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करोगे जैसे ही आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे आपके पास दूसरा ही ऑप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन का आएगा आप प्लस सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा क्योंकि यहाँ पर आईएएस बैंकिंग बहुत सारी जेई बहुत सारी तैयारियां यहां की जाती है तो उसमें से आपको आपकी स्ट्रीम चुननी है दैट इज नीट यूजी आप जैसे ही नीट यूजी पर क्लिक करेंगे इस तरीके के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन वहां अवेलेबल होंगे वन थ्री सिक्स ट्वेल्व फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और वैसे भी बेटा वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से है नीट तो अगर आप इलेवंथ ट्वेल्थ मूविंग स्टूडेंट है तो कल कम से कम साल भर आपको चाहिए और टेंथ मूविंग टेंथ से इलेवंथ मूविंग स्टूडेंट है तो आपको दो साल चाहिए आप देख सकते हैं तीन महीने का सब्सक्रिप्शन पंद्रह हजार छः महीने का तीस हजार का होना चाहिए बट तीस हजार में तो पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है और जस्ट आप इसमें वन मंथ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दीजिए एक महीने का एक्स्ट्रा पे करते ही आपको दो साल का सब्सक्रिप्शन कि एक महीने की प्राइस में पूरा एक साल फ्री मिलेगा दो महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और सबसे खास चीज आप इसमें एक कोड आपके लिए आएगा अप्लाई करने के लिए आप जिसमें ऐसे ही जैसे ही मेरा आप ये कोड भरेंगे शिवानी उससे क्या होगा इससे आपको फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा या आपको ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड का पड़ेगा फिर दो साल का और तो फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट प्लस आप सीधा मेरे मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे आपका प्लानर डिसाइड करना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मैम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ कौन सी बुक लगाऊँ कोई सी भी बुक नहीं सारा मैटर मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगी आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी कुल मिलाकर जब तक आपको मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंचाती वो मेरी होगी मेरे सुपर एटीज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे बेटा ठीक है इट इज दिस ठीक है बच्चा चलिए तो ये तो हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में हुआ अब मैं मान के चलती हूँ मेरे सारे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चे जो है यहाँ पर और बेटा अगर आप डे वन से आप जुड़े हुए अगर आप मेरे वर्ड टू वर्ड गाइडलाइन को फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू गाइज आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने से कोई भी नहीं रोक सकता इट्स इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू ठीक है हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम इतना नहीं पढ़ेंगे कि हाँ मेरे को जो सारा आता है मैं पूरा ज्ञान आपको यहाँ बरसा दू जितना आपको नीट को फाइट करने के लिए किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में सीट को हाँ इस चीज की गारंटी मैं आपको करती हूं बेटा एक सिंगल क्वेश्चन मेरी पढ़ाई गई चीज के बाहर नहीं जाएगा लेकिन ऐसा नहीं मैं बहुत ग्रंथ के ग्रंथ आपको पढ़ाऊंगी ना हम कंसाइज पढ़ेंगे लेकिन उतना ये मेरा गारंटी है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहां से बाहर नहीं जाने वाला है और हम रेगुलर स्टडी करेंगे जितना आपने पढ़ा है पीडीएफ आपको आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी नहीं दे रखा मैं जस्ट अपनी टीम को फॉरवर्ड करती हूँ नेक्स्ट क्लास से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेल रहेगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मैं वहां पर भेज दूंगी अभी और आपको पूरा प्ले लिस्ट इसका मिल जाएगा मैं अभी अपनी टीम के साथ कॉर्डिनेट करके आपको ये मिल जाएगा पी ठीक है चलो अब सुनो बेटा मान के चलती हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग्स आप सबने पढ़ा होगा यार नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स तो इंक्रीज कर दो ऐसे क्या कर रहे हो ऐसे क्या कर रहे हो ठीक है मजा नहीं आता ऐसे पढ़ने में फटाफट से नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज करो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो स्टूडेंट्स चलो बेटा तो आज जो है मैं आपको टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रही हूं तो पहली चीज तो यहां पर जो वर्ल्ड है ना आपको इससे मतलब समझ में आना चाहिए टेक्सोनॉमी क्या होता है तो टैक्सोनॉमी है बेटा ये दो वर्ड से मिलके बना है एक है आपका टैक्सेस इसको आप तोड़ोगे और नॉमी टैक्सेस और नोमोज इन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमोज का मतलब होता है लॉ तो अरेंजमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जहां होता है ये है आपका टैक्सोनॉमी इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल मतलब जो भी हम क्लासिफिकेशन हम करते हैं किसी भी चीज का तो ऐसे ही नहीं कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसके प्रोसीजर्स होते हैं तो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स की स्टडी हम टैक्सोनॉमी के अंदर ही करते हैं ये जो वर्ड है आपका टैक्सोनॉमी इट वाज प्रपोज्ड बाय एपीडे पी कंडोले उनकी बुक का नाम था थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनिका दैट इज अ थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी उसके अंदर उन्होंने ये वर्ड प्रपोज किया था अच्छा बच्चा ये आपके सिलेबस में है तो मैंने डाला जरूर है आप इनकी बुक्स का नाम ना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा ऐसा नहीं है बस ये जरूर याद रखना टैक्सोनॉमी इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन हम टेक्सोनॉमी के अंदर करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो चीज है वेट के अंदर क्या होता है इट इज दूड स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर तो बच्चे आप किसी भी चीज का मान लीजिए क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो चार पॉइंट आते हैं फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन सेकेंड वन इज द नॉर्मन क्लेचर थर्ड वन इज द क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सेकेंड वन इज द क्लासिफिकेशन थर्ड वन इज द दॉमन क्लेचर और एफिनिटीज क्या होता है ये सुनो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आइडेंटिफिकेशन नाम से मतलब क्या समझते हो आप आइडेंटिफिकेशन का आइडेंटिफिकेशन नाम से मतलब क्यों से पहचानना नाम जैसा ही काम है तो मतलब कोई मान लीजिए नोन या अननोन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो आइडेंटिफिकेशन जो पहला स्टेप है इसमें क्या होता है कि आप उसे उस नोन या अननोन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से आइडेंटिफाई करके किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर असाइन कर देंगे दूसरा इसमें दे रखा है मैं पढ़ के सुनाऊंगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करे एक्चुअली होता क्या है सेकेंड वन इज द क्लासिफिकेशन सॉरी नॉर्मन क्लेचर नॉर्मन क्लेचर क्या उसका नामकरण संस्कार करना आपने पहचान लिया आप उसे कोई नॉमन क्लेचर कोई एक नाम देंगे बट नाम ऐसे ही नहीं देते कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो बहुत डिटेल में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बट पहले पहचान लिया कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था नॉन या नॉन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में से आपने उस ऑर्गेनिज्म को पहचाना दैट इज द आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है नॉर्मन क्लेचर यानी कि अब उसको आप नामकरण संस्कार करोगे उसका कोई ना कोई नाम आप उसे देने वाले हैं थर्ड स्टेप आता है क्लासिफिकेशन कुछ सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज के बेस पर आप उसे पर्टिकुलर किसी एक क्लास के अंदर एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर देंगे और फोर्थ स्टेप इज द एफिनिटीज एफिनिटीज इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के के बीच इंटर के रिलेशनशिप की स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं इट इज द एफिनिटीज ठीक है बोर्ड बोर्डवर्क uh, आप लोग को चाहिए चलो मैं आज से स्टार्ट जरूर कर देती हूँ लेकिन मुझे चाहिए आपका बहुत सारे कॉमेंट्स वीडियो के बाद कि यू वॉन्ट वर्क दैट्स वाई मैंने ये किया है ठीक है मैंने रिप्लाई नहीं किया यू यू हनी बेटा आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पर या फिर उस पर आप हाय हेलो करोगे तो बच्चा मैं बहुत सारे मैसेजेस सिंगल डे में रिसीव करती हूँ आप डायरेक्टली अपनी बात लिखिए मैं बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करूँगी अनकेडमी एडुकेटर ऐप पर भी आप मुझे कर सकते हैं तो सुनो बेटा अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है तो चार स्टेप्स जो थे मेरे हिसाब से इसमें जहाँ पर बोर्डवर्क मैं बिल्कुल करवाऊंगी ये चार स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए फोर स्टेप्स देखिए ना हमने पहला तो है आइडेंटिफिकेशन ये नाम से ही पता लग रहा है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान पत्र का काम करेगा पहचानोगे आप इसके अंदर सेकंड इज दंड इज द नॉर्मन क्लेचर नाम से ही पता लग रहा है नॉर्मन क्लेचर यानी कि नामकरण संस्कार आप यहां पर करोगे इसका ठीक है

तो देखो आप ये सारे पॉइंट हमें बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे जस्ट एक न्यूज पेपर रीडिंग लगा के हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे आपको मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा तो टेक्सोनॉमी में इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं पहला इज द आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको अभी जस्ट डिस्कस किया लैंग्वेज देखिए इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इज हम उसे पहचानेंगे फ्रॉम द अदर किसी दूसरे बाय ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म हम इसे पहचान के किसी एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर डाल देंगे यानी कि आपने पहचान लिया पर हो रहा है ठीक है ठीक है बच्चा नेक्स्ट जो सेकेंड जो सेकेंड uh, जो इसके अंदर पॉइंट इट इज द नॉर्मन क्लेचर आज पहचान लिया उसका नामकरण संस्कार आप करोगे कोई ना कोई नाम आप देंगे आपने इसका नामकरण संस्कार कर दिया अब ऐसे नहीं राम श्याम सीता गीता कुछ भी रख दिया वैसे हमारे में भी आ, आप लोग को पता होगा हिंदू के अंदर तो ऐसा होता है और बाकी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है अपने अभी नाम किसी वर्ड पर निकलता फिर उसके ऊपर नाम रख दिया जाता है यहां पर ऐसा नहीं होता कि मर्जी आए जो नाम रख दिया कुछ इंटरनेशनल रूल्स है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके बेसिस पर ही नामकरण संस्कार किया जाता है और ये रूल्स एंड रेगुलेशन अभी थोड़ी देर में बहुत डिटेल में आपके साथ आज के सेशन में डिस्कस करूंगी तो इट इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि की वर्ड नॉर्मन क्लेचर में हम नेमिंग दे रहे हैं बेटा ठीक है नेक्स्ट दूसरा जो है इट इज द क्लासिफिकेशन नाम से ही पता लग रहा है आप क्लासिफिकेशन करोगे तो आप प्रोसेस बाय विच कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस मतलब कुछ ऑब्जर्वेबल जिन कैरेक्टर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पर आपने उसे किसी कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर ग्रुप कर दिया मतलब उसके अंदर डाल दिया दिस इज द क्लासिफिकेशन एंड बच्चा जो भी आप लोग को डाउट है प्लीज लेट मी नो आप मैं सेशन के एंड में आपसे बिल्कुल आपको टाइम दूंगी इंटरेक्ट करने का मैं आपके सारे क्वेश्चंस को एंटरटेन करूंगी प्लीज अभी ना करें बच्चा ठीक है

कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पर आप उसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे और एफिनिटीज इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस आर द फोर पॉइंट आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ क्लियर है बच्चा क्लियर है एकदम ठीक है चलिए नेक्स्ट जो है अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक है आपका ओल्ड सिस्टमैटिक्स और एक है बेटा न्यू सिस्टमैटिक्स ये दोनों क्या होते हैं ये मैं बताती हूं क्या है यहां बोलने से कुछ नहीं होगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में चाहिए एक हम चलो मैं वर्क कर लेती हूँ आप लोग इतना एक है ओल्ड सिस्टमैटिक और एक है बेटा आपका नियो सिस्टमैटिक्स ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर कीवर्ड ये है बेटा दिस आर द ब्रांचेस रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमी ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर ठीक है देखो सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देर कंपेरेटिव मतलब कुल मिला के एक कीवर्ड आपको जो ध्यान रखना है सिस्टमैटिक्स ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पर यह होता है यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ रूट्स स्टेम लीव फ्लावर यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर आप करते हैं इसके अंदर इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है मतलब सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन होता है ये तो है ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर बात करें बेटा तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अलावा इंटरनल कैरेक्टर्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कंसिडर आउट उसके अंदर किया जाता है ठीक है क्लियर है बच्चा चलो ये है तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर होते हैं नियो टिक की हम बात करें तो एज आई टोल्ड इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंटल प्रोसेस इकोलॉजिकल यानी इकोलॉजिकल्ट इंटरनल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं दिस इज द थिंग आई थिंक इट इज मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप दोनों इसके अंदर आते हैं ओल्ड सिस्टमैटिक में सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को लिया जाता है ज द थिंग ठीक है और न्यू सिस्टमैटिक्स के लिए थर्ड पॉइंट जो, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेक इट अ थ्री स्टार मार्क इट इज यूज टू नो द इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज यूज टू नो द इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर है ठीक है हमने ओल्ड सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स की बात की ओल्ड सिस्टमैटिक्स में आपको सिंपल सा ये पॉइंट ध्यान रखना है ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर हम बात करें तो आपका सिंपली इसमें सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिस्टमैटिक्स के अंदर इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लिया जाता है इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लेकिन यही बात अगर हम न्यू सिस्टमैटिक्स या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो इंक्लूड होगी ही सही इसके साथ साथ उसका जेनेटिक सेलुलर मतलब सारा जेनेटिक और इवोल्यूशनरी इट इज मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक्स एंड इट इज यूज टू नो द इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनम दिस टू आर द की पॉइंट अबाउट द न्यू सिस्टमैटिक्स ठीक है आपके बिसाइड द एक्सटर्नल ऑल द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ये तीनों पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है ठीक है बस यही टर्म्स आपको ध्यान रखनी वाटर सिस्टमैटिक एंड नियो सिस्टमैटिक ठीक है ये मेरे हिसाब से सबको 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 क्लियर हो गया होगा अब बच्चा इसमें जो जूलियन हक्सले जो नाम दे रखा है सिस्टमैटिक में तो नहीं है न्यू सिस्टमैटिक जो टर्म है या आप लिख सकते हैं इट इज अ ब्रांच द नेम वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले एक बारी पूछा है ये भी तो आप याद रखना चाहें इसको याद रख सकते हैं एक बार ही पूछा है बेटा यहाँ से क्वेश्चन न्यू सिस्टमैटिक इट वॉज गिवन बाय जूलियन हक्सले इज इट क्लियर टू एवरी वन इट इज ऑल अबाउट दिस यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको एकदम क्लियर होगा ठीक है नो मैन मॉर्फोलॉजी क्या है बच्चा एक्सटर्नल अपीरेंस जैसे रूट है तो रूट बाहर से कैसा दिखता है मतलब सिर्फ हम उसकी अपीरेंस जैसा जो बाहर से दिख रहा है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता सेलर कॉम्पोजिशन क्या उसका इंटरनल जेनेटिक मेकअप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसका इवोल्यूशनरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जस्ट हमने सिर्फ बाहर मॉर्फोलॉजी यानी कि होता है बाहर से जो दिखता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक उसके इंटरनल जेनेटिक मेकअप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती दिस इज द मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल अपीयरस की बात हो रही है बेटा ठीक है चलो ये क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को बेटा ट्वेल्थ का सिलेबस ऑल्टरनेट डेज पर चल रहा है जैसे कल जेनेटिक्स कराया था फिर आज लिविंग वर्ल्ड फिर कल जेनेटिक्स मैं प्रोसीड करूँगी ठीक है चलो ये हो गया यहाँ पर हम लोग इतना यहाँ पर डिस्कस कर चुके या दिस पॉइंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ अन नॉन ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन आ जाता है वॉट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी आप अनन नॉन ऑर्गेनिजम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनन नॉन ऑर्गेनिज्म इट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी ये मेरे हिसाब से सबको पता होगा मैक्सिमम जेनेटिक डायवर्सिटी जो है मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है मैक्सिमम डायवर्सिटी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है क्योंकि यहां पर एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल और कॉन्स्टेंट होता है ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते तो मैक्सिमम जेनेटिक द्याव... मैक्सिम डाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट के अंदर है और मैक्सिमम कोरल रीव के अंदर पाई जाती है ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ठीक है ठीके? क्लियर बच्चा रोहित आर्या बेटा नीट 2021 का बैच ही तो स्टार्ट हो रखा है मैम आप ही जूलॉजी भी पढ़ाओ अनुभूति पांडे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बॉटनी पढ़ाऊंगी इट्स नथिंग वॉज लाइक दैट ट्वेंटी 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 टू के लिए इट्स नॉट लाइक क्योंकि मैं खुद भी प्रोफेशन वाइज मैं भी डॉक्टर हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बॉटनी पढ़ाऊंगी टॉपिक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं बिल्कुल मैं आपको जूलॉजी भी पढ़ाने वाली हूँ बेटा ठीक है चलो क्लियर है राजकुमार सबको ये बिल्कुल 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 क्लियर ठीक है तो यहाँ तक यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सेकेंड मैक्सिमम इट इज इन द कोरल रीज ठीक है बच्चा नेक्स्ट अब हम जब मैं सेशन एंड करूंगी तो हम ना एक क्विक रिकैप जरूर करा करेंगे सेशन के एंड में पूरे क्लास का कॉन् मतलब जो भी जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो सारा हम लास्ट का दस मिनट में हम रिवाइज करेंगे तो पूरा क्लास बहुत कंसंट्रेशन से सुनो लास्ट के दस मिनट आपने दिया तो आपको पूरी मतलब मेरा कोशिश है कि अधिकतर चीजें आपको सेशन में ही याद हो जाए इसलिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा ठीक है चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन बायनोमियल सिस्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइज ठीक है बायनोमियल सिस्टम जो है सबसे पहले याद रखना इनमें साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम और सबसे पहले प्रोपोज किसने किया तो सबसे पहले प्रोपोज बायनोमियल सिस्टम को सबसे पहले प्रोपोज किया था बेटा गैसपर्ट बोहिन ने उनकी एक बुक थी उनकी बुक का नाम था पाइनेक्स थिएटर बॉटनिका जिन भी स्टूडेंट्स को इनकी बुक का नाम याद नहीं हो कोई बात नहीं आप छोड़ सकते हैं अच्छा मैं ये जब भी ये लाइन बोल रही हूँ ना कोई बात नहीं आप छोड़ सकते हैं इट वॉज लाइक कि हाँ अगर जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये नाइन्टी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन सिलेबस में तो मैं पढ़ाऊंगी ज़रूर ठीक है लेकिन मैं आपको डिक्टेट uh, करती जाऊंगी सेशन के ड्यूरे ड्यूरेशन में कि आप ये कर सकते हो ये छोड़ सकते हो तो बाइनोमियल सिस्टम जो है बेटा सबसे पहले इसे प्रपोज किया गैसपर्ट बोहिन ने लेकिन गैसपर्ट बोहिन नाम याद रखना जरूरी है सबसे पहले प्रपोज किया गैसपर्ट बोहिन ने उनकी बुक थी पाइनिक्स थिएटर बॉटने का और एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ये है लीनियस सर ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस नॉमन क्लैचर को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करके साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रपोज किए सारे प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम जो है ये लीनियस सर ने दिए इसीलिए ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम ये लीनियस ही इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम बाइनोमियल सिस्टम के फाउंडर लीनियस सर को कहा जाता है दिस इज द थिंग ठीक है सिस्टम में क्या बताया कि सबसे पहले प्रपोज तो गैसपोर्ट बोहिन ने किया था उनकी बुक थी पाइनिक्स थिएटर बॉटनिका के अंदर लेकिन लीनियस सर ने सबसे पहले से लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करके पूरे प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम इन्होंने प्रपोज किए दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम नेक्स्ट अगेन ये जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बेहद 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 इंपॉर्टेंट है स्टार सर ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के साइंटिफिक जिस बुक के अंदर दिए ठीक है इट इज द स्पीशीज प्लांटैरम बुक का नाम साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स जिस बुक के अंदर दिए वो स्पीशीज प्लांटैरम है उस बुक का नाम और वो बुक का डेट ऑफ पब्लिकेशन वो बुक कब पब्लिश हुई थी इट इज फर्स्ट मे 1753. ठीक है लीनियस सर ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट नॉमन जिस बुक के अंदर दिया इट इज द स्पीशीज प्लांटारम और ये बुक का डेट ऑफ पब्लिकेशन है फर्स्ट मे 1753. इसीलिए इस दिन से अच्छा ये डेट भी याद करनी जरूरी है बेटा ठीक है ये डेट भी याद करनी जरूरी है यहां से क्वेश्चन आता है ठीक है यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आता है वो ये देखो मैं आपको यहीं से पढ़ा देती हूं आप लोग का डिमांड है मुझे कॉमेंट बॉक्स में चाहिए नहीं तो मैं कल से बोर्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाली कि मैम वी वॉन्ट वर्क टू ठीक है तो सबसे पहले मैंने बताया लीनियस सर के बारे में हम बता रहे थे लीनियस सर को ही इज नॉन एज द फाउंडर पहला की पॉइंट लीनियस सर के बारे में इन्हें फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम कहा जाता है ही इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ठीक है दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि लीनियस सर ने साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स जिस बुक में दिया और लीनियस सर ने एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स को जिस बुक में प्रपोज किया था साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इनकी बुक का नाम और डेट ऑफ पब्लिकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लांट्स के जिस बुक के अंदर दिया साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इट इज द स्पीशीज प्लांटरम और साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन्होंने जिस बुक में दिया था बेटा इट इज सिस्टेमा नेचुरी और ये सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है ना बेटा इसका टेंथ एडिशन था जिसके अंदर इन्होंने साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स दिए थे सिस्टमा नेचुरी का टेंथ एडिशन था जितने भी लोग देख रहे हैं सबके सब वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए अगर मुझे या चैट बॉक्स में नहीं वीडियो के एंड में अगर कमेंट बॉक्स में मुझे 50 से ज्यादा कमेंट नहीं मिले कि मैम वी वांट बोर्ड वर्क टू तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आई एम नॉट डूइंग दैट और नेक्स्ट सेशन जेनेटिक्स का है तो अफोर्डेबल नहीं है इसीलिए प्लीज कॉमेंट बॉक्स में डाल देना अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू द बोर्ड वर्क ठीक है आप लोग का फीडबैक डेढ़ सौ बच्चे दिख पचास से ज्यादा कमेंट्स मुझे चाहिए बोर्ड वर्क के लिए तो मैं करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी कल से आज लास्ट होगा फिर याद रखना आप ठीक है जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है मैं बोर्ड वर्क नहीं करूंगी वहां चलो बेटा आ जाओ तो साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बुक में स्पीशीज प्लांटर साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स उन्होंने जिस बुक में दिया इट इज द दिस्टमरी और इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन की हम लोग बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है स्पीशीज प्लांटेरम जिस तारीख को पब्लिश हुई थी इट इस फर्स्ट मे 1753 इसीलिए इसी, इसी तारीख को मतलब अगर इस तारीख से पहले किसी प्लांट का नामकरण संस्कार अगर किया गया होगा नॉर्मल क्लेचर अगर किया गया है तो वो वैलिड नहीं है क्योंकि ये बुक पब्लिश हुई थी फर्स्ट में 1753 से तो बाइनोमियल मतलब प्लांट्स का साइंटि इस तारीख से माना जाता है

तो ये आप लिख लोगे साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट बुक का नाम डेट ऑफ पब्लिकेशन साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल बुक का नाम डेट ऑफ पब्लिकेशन विच इज इंपॉर्टेंट ठीक है जो कि आपको यहाँ पर मैंने पीपीटी के अंदर दे रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको मिल जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट और एनिमल्स इन्होंने दिए साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स जिस बुक में प्रपोज किए थे जिस द स्पीशीज प्लांट आई डेट ऑफ तो पब्लिकेशन फर्स्ट मे 1753 तो सो दिस वाज़ द इनिशिएशन ऑफ बायनोमियल सिस्टम फॉर प्लांट तो इसको बायनोमियल सिस्टम का इनिशिएशन माना जाता है प्लांट्स के लिए इससे पहले अगर कोई नामकरण संस्कार किया गया होगा सो एनी नेम प्रोपोज फॉर द प्लांट्स बिफोर दिस डेट इज नॉट एक्सेप्टेड टूडे सेम साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल उन्होंने जिस बुक के अंदर दिए बेटा इट इज दिस्टमी और इस बुक का डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है it is August 1758, और यहां से एनिमल के बायोमियल सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है यानी कि सो इनिशिएशन ऑफ बायोमियल सिस्टम फॉर एनिमल इसे फर्स्ट अगस्त से माना गया है अगर कोई नाम इसके पहले दिया गया तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा क्लियर है बच्चा सभी को इट इज अबाउट दिस इट इज अबाउट दिस ये सारा आपको डेट्स बिल्कुल याद रखना जरूरी है साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट स्पीशीज प्लांटेरियम डेट ऑफ पब्लिकेशन फर्स्ट मे सेवनटीन फिफ्टी थ्री साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स सिस्टेमा नेचरिका टेंथ एडिशन डेट ऑफ पब्लिकेशन फर्स्ट ऑगस्ट सेवनटीन फिफ्टी एट शुड 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 बी ऑन योर फिंगर टिप्स पॉइंट ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट हम लोग आई डिस्कस करेंगे बेहद 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 इंपॉर्टेंट डोंट वरी पूरा बोर्ड वर्क से पढ़ाने वाली हूँ मैं ये लेकिन अगर आपने कमेंट्स में नहीं किया तो कल से बोर्ड वर्क ख़त्म है फिर आपको मैम सिर्फ ऐसे ही पढ़ाएंगी डोंट वरी ये तो होगा ही सही पीपीटी फॉर्मेट पूरा मिलेगा आपको पी भी मिल जाएगा इसका लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोर्ड वर्क तभी करूँगी जब मुझे इतने कॉमेंट्स uh, मिलने चाहिए पचास से ऊपर कॉमेंट्स चाहिए मैम वी वॉन्ट वर्क टू पचास से फोर्टी भी हुए तो नहीं करूँगी ठीक है चलो आईसीबीएन की हम लोग बात करें बेटा बेहद इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो इसके फुल फॉर्म से ही बनता है इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन क्लेचर दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ से क्वेश्चन बनता है और आई से इंटरनेशनल सी से कोड बी से बॉटनिकल और एन से नॉमन क्लेचर सबको याद रहता है यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ ना यही आप स्टार मार्क करना ऑफ पर वहां जो एग्जामिनर जो गेम खेलता है वो ऑफ से खेलेगा और एनसीआरटी में क्या लिखा है मैं ये भी आपको बता रही हूं ठीक है आईसीबीएन का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म वो पहला ऑप्शन देता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉम आप ऑफ और फोर पर ऑफ और फोर पर तो ध्यान ही नहीं देते हो आप फटाक से आंसर वन टेक कर देते हो जो गलत हो जाता है और फोर्थ ऑप्शन में देता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन तो ये इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नॉमन सबको याद रहने वाला है ये ऑफ है मेन चीज इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा गलती यहां होती है लेकिन अगर आप एनसीआरटी पढ़ोगे एनसीआरटी में फोर ही दे रखा है और वो गलत है उसको मत याद रखना वैसे हम खुद आपको एडुकेटर्स यहां पर ये चीज बोलते हैं कि एनसीआरटी में गलत चीज भी है तो उसे याद कर लो एग्जामिनर उसी को सही मानता है पर इस केस में नहीं मानता क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपको करेक्ट पता होना चाहिए इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉम्क्लेचर नॉट फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर और एनसीआर में गलत ही दे रखा है बेटा ठीक है क्लियर है ये चलो नेक्स्ट जो है अमर कुमार इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय पीडीएफ नोट्स जो यहाँ पर मैं आपको अवेल करा रही हूँ मोर 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 देन सफिशियंट ठीक है कुछ नहीं करना इसके अलावा बहुत है ये ठीक है बच्चा एनसीईआरटी ऑथेंटिक है बेटा बिल्कुल मैं तो खुद ही कह रही हूँ हम खुद ही ये बोलते हैं कि एनसीआरटी में कोई चीज गलत भी है बट ऐसा हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उसको फिर नेगेटिव ही माना था तो ये मैं बोल रही हूँ तो जो चीज़ें ये थोड़ा ऐसे गेम खेलते भी है तो मैं जो बोल रही हूँ आप उस चीज को आपको आंख बंद करके मुझ पर भरोसा होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो तो एक एडुकेटर और स्टूडेंट का और एक डॉक्टर और पेशेंट का ऐसा रिलेशनशिप है जहां ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है तो बेटा ऑफ ही याद रखना है आपको फोर गलत है ये याद रखिएगा ठीक है तो इसके अंदर जो आईसी जो बॉडी है बेटा इसमें रूल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग टू द मतलब प्लांट का जो नामकरण संस्कार करते हैं ना उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ दे रखे हैं ठीक है थैंक यू रक्षित तो अब मैं आपको आप लोगों का ने जैसे कहा है मैंने आपको बोला आज मुझे पचास से ऊपर कमेंट नहीं मिले बोर्ड वर्क से तो मैं कल से नहीं कराऊंगी किसी कारण से ही आपकी मैम बोल रही होंगी तो प्लीज डू दैट लेकिन आज मुझे पता है आपको समझ में अच्छा वहीं से आता है मैं बिल्कुल बोर्ड वर्क करा रही हूँ लेकिन आप नहीं करोगे सारा कुछ पीपीटी में है मैं बाद में जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग लगा के हम स्किप मारेंगे मुझे पता है आपको यहाँ से अच्छा समझ में आता है लेकिन मुझे कॉमेंट्स चाहिए बेटा ठीक है आज नहीं मिलेगा तो कल से मैं बोर्ड वर्क करने वाली नहीं ठीक है चलो अब आई के रूल्स एंड रेगुलेशन में बता रही ना सबसे पहला पॉइंट ये अगर आप कोई भी प्लांट का नॉमन क्लेचर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल सिस्टम तो नेम ऑफ इंटरनेशनल सबसे पहला रूल है बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी स्पीशीज का जो नाम है ये आपके दो कंपोनेंट और वर्ड से बना होना चाहिए नेम ऑफ एनी स्पीशीज इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेट और वर्ड जैसे कि मैं मैंगो का बॉटनिकल नेम अगर आपको बोलूं तो इट इज द मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका ठीक है मैं इंडिका यही बात अगर मैं पोटैटो का बॉटनिकल नाम बोलूं तो इट इज सोलेनम सोलेडम ट्यूबरोसम ये बॉटनिकल नेम होते हैं ठीक है तो पहला रूल तो क्या कहता है कि बाइनोमिल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी स्पीशीज का नाम दो कंपोनेंट का बना होना चाहिए जैसे कि मंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें जो पहला कॉम्पोनेंट जो फर्स्ट एपिथेट है पहला कॉम्पोनेंट जो होता है दिस वन दिस इज द जेनरिक नेम ठीक है ये उसका जेनरिक नेम होता है और जो दूसरा कॉम्पोनेंट होता है जैसे कि इंडिका ट्यूबरोसम ये होता है बेटा स्पेसिफिक एपिथेट ये होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट दिस इज द थिंग कि किसी भी चीज का आप नॉमनक्लेचर दे रहे हैं प्लांट का नोमनक्लेचर आप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल कि मतलब ही दो है बाय मतलब दो तो उसका नाम दो कॉम्पोनेंट और वर्ड्स का बना होना चाहिए जिसमें जो पहला कॉम्पोनेंट होता है जैसे मंजीफेरा इंडिका का मंजीफेरा सोलेनम ट्यूबरोसम का सोलेनम इसका जो पहला कॉम्पोनेंट है इट इज द जेनरिक नेम और जिसका सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है बेटा वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट रूल ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट रूल है इसका दूसरा जो है वो ये देखो बच्चों बिल्कुल मैं मानती हूं प्लांट डाइवर्सिटी थोड़ा सा बोरिंग है बट अफोर्डेबल नहीं है इसको छोड़ना दस से बारह क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो हर साल बनते हैं लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम दस क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट यहाँ से आते हैं तो हमें पढ़ना तो पढ़ेगा बेटा ठीक है तो जी उतना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है बट वेटेज बॉटनी का ज्यादा है तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड हमें सिलेक्शन चाहिए हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहां लेक्चर नहीं ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ठीक है तो ये हो गया सोलेनम जेनरिक नेम यही जो मैंने आपको स्पेसिफिक एपिथेट मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का जेनोरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट दूसरा रूल ये कहता है कि प्लांट नॉर्मन क्लेचर के अंदर आपके टॉटोनिम्स जो हैं प्लांट नॉर्मन क्लेचर के अंदर आपके टोटोनिम्स जो है बेटा ये वैलिड नहीं होते अब क्या होते हैं टोटोनिम्स ये होते हैं जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है ना तो मैंजी फेरा मैंजीफेरा यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो मैंजीफेरा सोलेनम सोलेनम जेनरिक नेम भी सोलेनम स्पेसिफिक एपिथेट भी सोलेनम इसे कहते हैं टोटोनिम्स मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मतलब नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो तो प्लांट्स के अंदर प्लांट नॉर्मन क्लेचर के अंदर तो आपके जो टॉटोनिम्स हैं ये आपके वैलिड नहीं है लेकिन यही बात एनिमल नॉर्मन क्लेचर की, की जाए तो उसके अंदर बिल्कुल आपके टोटोनिम्स वैलिड होते हैं जैसे कि रेटस रेटस नेम स्पेसिफिक सही है, सेम है रेड के लिए यूज किया जाता है नाजा नाजा इंडियन कोबरा के लिए ये नाम यूज किया जाता है जेनरिक एपिथेट एकदम सही है तो जुलॉजिकल नॉमन क्लेचर में एनिमल नॉमन क्लेचर के अंदर टोटोनिम्स बिल्कुल वैलिड है बेटा लेकिन यही बात अगर प्लांट नॉमन क्लैचर की, की जाए तो टॉटोनिम्स वहां पर वैलिड नहीं होते हैं ये देखिए Mangifera, mangifera, नहीं है लेकिन एनिमल नॉमन क्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकलचर के अंदर ये बिल्कुल वैलिड है जैसे कि नाजा नाजा इंडियन कोबरा को कहा जाता है रेटस रेटस ये रेट का जुलॉजिकल नॉर्मन क्लैचर है ठीक है तो दिस इज अकेंड रूल ऑफ आईसीबीएन कि नॉर्मन क्लेचर में टॉटोनिम्स प्लांट नॉर्मन क्लेचर में वैलिड नहीं है प्लांट नॉर्मन क्लेचर में वैलिड नहीं है लेकिन एनिमल नॉर्मन क्लेचर के अंदर ये बिल्कुल वैलिड है ठीक तीसरा रूल जो है बेटा इसके अंदर थर्ड रूल जो है इट इज दैट कि जो जेनरिकल नॉमन क्लेचर के अकॉर्डिंग पहला वर्ड जेनरिक नेम दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेड तो तीसरा रूल ये कहता है कि जेनरिक नेम का पहला वर्ड जैसे कि ध्यान देखा चलो मैं बताती हूं वो ये कहता है मैं ये इसके बाद ये इसमें पढ़ाऊंगी बिल्कुल बोर्ड के अंदर मैं ही बता देती तो हूँ तीसरा रूल ये कहता है कि जेनरिक नेम क्या है कि जेनरिक नेम का पहला वर्ड शुड बी इन कैपिटल लेटर ये आपका कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड इट शुड बी इन स्मॉल लेटर ये स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए दिस इज अनादर रूल ऑफ आईसीबियन जैसे कि मैंजी फेरा मैंजी फेरा इंडिका तो मैंजी फेरा का एम शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड इंडिका का आई इट शुड बी इन स्मॉल लेटर जेनरिक नेम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर होगा स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर होगा दिस इज द अनादर रूल ऑफ आईसीबीएन लेकिन इस रूल में एक ट्विस्ट है ट्विस्ट ये है कि बिल्कुल आपका स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड भी कैपिटल लेटर में हो सकता है लेकिन कंडीशन वो जब स्पेसिफिक एपिथेट किसी पर्सन के नाम के ऊपर बेस्ड हो तो उस कंडीशन में बिल्कुल आपका स्पेसिफिक कैपिथेट जो है आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं लेकिन अब चीज ये हम हमें इतने बॉटनिकल नॉमन थोड़ी याद होंगे नाम मैंजीफेर एंडी आप पढ़ा रहे हो मैंगो का काम ट्यूबरस हम याद रह जाएगा अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है इनमें से कौन सा आईसीबीएन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सही लिखा है तो आप कैसे पहचानोगे क्योंकि रूल तो मैंने बोल दिया है कि स्पेसिफिक का पहला वर्ड भी अब मुझे तो पता ही नहीं है मान लो कि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है तो उस वजह से इसे कैपिटल में लिखा है तो उसके बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं सिर्फ एक एग्जांपल एक आपको याद रखना है दैट इज द आइसोएट्स एट्स पेंटी ठीक है

एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है और आया भी है उसमें अंडरलाइन नहीं आता ठीक है तो उस कंडीशन में आप ये नहीं कि सारे ही गलत है आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चूज करोगे बट डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द रूल लेकिन मैंने भी आपको जितने रूल पढ़ाए उसके हिसाब से मैं नॉर्मन कैचर करती जा रही हूँ ठीक है बच्चा क्लियर है सबको अभी ये क्योंकि आप यहाँ पर थर्टींथ वाले हो लेकिन मैं पढ़ा के चल रही हूँ कि इलेवंथ वाला जो बच्चा है वो पहला एक्सपोजर है उसका तो उसको क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें तो पहला लेटर जो है जेनरिक नेम का एज आई टोल्ड यू फर्स्ट लेटर जो है ये जो रूल था अभी हमने डिस्कस किया पहला लेटर जो है जेनरिक नेम का यही लिखा हुआ है ये आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए और जो पहला लेटर होता है स्पेसिफिक एपिथेट का स्पेसिफिक नेम ठीक है स्पेसिफिक एपिथेट ये आपका इट शुड बी इन स्मॉल लेटर विच यू कैन सी मैनजी का एम इज इन कैपिटल लेटर इंडिका का आई इट इज इन स्मॉल लेटर लेकिन

वैन जब आप फ्री हैंडेड लिख रहे हो या फिर आप टाइप कर रहे हो इस कंडीशन में जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को मैं सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और अगर टाइपिंग फॉर्म में है प्रिंटिंग फॉर्मेट में है तो ये इटालिसाइज लिखे हुए होने चाहिए क्योंकि ये आपके लेटन ऑरिजिन को दर्शाते हैं ठीक है क्या कह रहा है नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर आप फ्री हैंडेड लिख रहे हैं या फिर टाइपिंग करवा रहे हैं तो जेनरिक नेम जैसे कि मंजीफेरा रा इंडिका तो ये आपको जब आप ऐसे लिख रही हूं ना मैं तो मुझे इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा वेन रिटर्न विथ फ्री हैंडेड और टाइप तो आपको जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन आपको सेपरेटली ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा लेकिन अगर आप प्रिंटिंग फॉर्म में दे रहे बट इफ प्रिंटिंग तो ये आपके इटैलिक्स में होंगे जिससे कि ये 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 इसके इसके को को दर्शाते दर्शाते हैं, हैं, ठीक ठीक है? है? है हो गया। हम जब भी सही नहीं है वैसे तो हम जब नामकरण संस्कार किसी का कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कहता है उसे इसके शॉर्ट में लिखना पड़ता है जैसे कि Mangifera indica lenius. This one. Mangifera indica lenius. Lenius short form में लिख दिया तो name of scientist जिसने ये नॉमन क्लेचर दिया है उनका नाम should be written in short after the specific name. Specific name के बाद उनका नाम short में पीछे लिखना पड़ता है This is the another rule of ICBN. Is it clear, बेटा Is it clear? यहाँ तक सबको clear है ठीक है तो ये एक पॉइंट है कि शुड बी रिटर्न इन शॉर्ट ये लिखोगे आप मंजी इंडिका लीनियस ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो लीनियस जो साइंटिस्ट का नाम है ये कौन से साइंटिस्ट का नाम है तो जिन्होंने ये नॉर्मन क्लेचर दिया है उनका नाम हम लास्ट में शॉर्ट में लिखते हैं ठीक है बिल्कुल बेटा मैं फुल सिलेबस पढ़ाऊंगी नेक्स्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट अब हमने बोला था जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को फ्री हैंडेड लिख रहे हो तो आप सेपरेटली अंडरलाइन करो प्रिंटिंग फॉर्म में है तो इटैलिसाइज करवाओ लेकिन साइंटिस्ट का नाम हमने जो शॉर्ट में लिखा है ना तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है ना इसे इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं सिंपल रोमन लेटर में लिखा जाता है दिस इज द अनादर रूल ऑफ आई नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नीदर अंडरलाइंड सिंपल रोमन लेटर मतलब सिंपल अल्फाबेट में ही लिखा जाता है दिस इज दर रूल ऑफ आईसीबी ठीक है यह आपका नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट जो है साइंटिफिक नेम जो है मतलब जो हम नामकरण जैसे मंजीफेरा इंडिका दिया, दिया तो जो साइंटिफिक नेम है इंपॉर्टेंट रूल है यह आपका लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही डिराइव होना चाहिए बिकॉज दिस आर द डेड लैंग्वेज इन पर अभी काम नहीं चल रहा है तो दे शुड बी डिराइव फ्रॉम लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज ऐसे नहीं कुछ भी नाम उठा के रख दिया तो ये जो नाम जो हम देते हैं साइंटिफिक नेम जो दे रहे हो ये लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही डिराइव होना चाहिए ठीक है दूसरा हर्बेरियम शीट वैसे बेहद इंपॉर्टेंट है मैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी ठीक है लेकिन अभी आप एक रूल ये देख लो कि आप टाइप स्पीशीमैन यानी कि जो भी न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट है उसका जो टाइप स्पीशीमैन एक हर्बेरियम शीट हमें ड्राई गार्डन में देनी पड़ती है उसके हरबेरियम शीट मतलब एक शीट होता है जिस पर प्लांट को ड्राई करके प्रिजर्व करके चिपकाते हैं हम उसके ऊपर ठीक है उसमें हम प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है इंग्लिश नेम क्या है लोकल नेम क्या है कलेक्टर मतलब जिसने भी इसको कलेक्ट किया है स्पीसी को उसका नाम क्या है ये प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है कहां से कलेक्ट किया है प्लेस ऑफ कलेक्शन और डेट ऑफ कलेक्शन ये सारी इंफॉर्मेशन होती है खैर इसका डिटेल डिस्कशन मैं आपको हर्बेरियम शीट के टाइम पर करवाऊंगी कुल मिला के एक रूल ये है कि इसका टाइप स्पीशी मैन जो है न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट का इसे आपको हर्बेरियम में टाइप स्पीशी मैन शुड बी प्लेस इन द हर्बेरियम दैट इज द ड्राई गार्डन आपको देना पड़ेगा ठीक है बच्चा क्लियर है यहां तक है इट इज ऑल अबाउट द बायनोमियल सिस्टम एंड इट इज ऑल द मेन रूल्स ऑफ आईसीबी एन दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमन क्लैचर आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन राइट नाउ क्लियर है बेटा यहां तक सभी को सिंपली मैं फटाफट से एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन आपके फटाफट से यहां पर करवा रही हूं क्या बताया मैंने पहला रूल्स बायनोमियल सिस्टम है ना बाय यानी कि दो तो किसी भी स्पीशीज का जो नामकरण संस्कार आप कर रहे हो या आपके दो वर्ड का बना होगा जो पहला वर्ड है वो है जेनरिक नेम और जो दूसरा वर्ड है वो है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका मैंजीफेरा इंडिका या फिर लिखो सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो के लिए यूज करते हैं ठीक है दिस इज द थिंग कि ये आपका दो वर्ड का बना होगा पहला वर्ड जो है ये जेनरिक नेम होता है दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है दूसरा रूल ये कि प्लांट नॉर्मन के अंदर प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर हम बात करेंगे अगर तो टॉटोनिम्स जो है टोटोनिम्स प्लांट्स के अंदर टोटोनिम्स वैलिड नहीं है लेकिन एनिमल्स के अंदर बात करें जूलॉजिकल नॉर्मन में बात करें तो आपके टोटोनिम्स जो हैं, ये आपके बिल्कुल वैलिड होते हैं टोटोनिम्स का मतलब क्या है हमने डिस्कस किया था नहीं है। क्लेचर में है। जैसे कि रेटस रेटस रेट के लिए यूज करते हैं एंड नाजा नाजा हम इंडियन कोबरा के लिए यूज करते हैं अरे बच्चा आने तो दो वहां तक मैं डिस्कस करूंगी सब ठीक है क्या बता ये हो गया ठीक है कि ये दूसरा रूल क्या कहता है कि जो जेनरिक नेम है तीसरा रूल उसका पहला वर्ड शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड शुड बी इन स्मॉल लेटर ठीक है लेकिन अगर स्पेसिफिक एपिथेट किसी पर्सन के नाम के ऊपर बेस्ड है आइसोइट्स स्पेंटी क्या इसके आगे पीछे कुछ नहीं याद रखना जस्ट आप ये याद रख लो एक एग्जाम्पल याद रखना आईसो एट्स इसमें स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होता है और ये कब हो सकता है अगर स्पेसिफिक एपिथेट आपके किसी पर्सन के नाम पर बेस्ड ठीक है नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जब आप फ्री हैंडेड लिख रहे हो ना तो आपको इनको सेपरेटली इनके नाम को जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को अंडरलाइन करना पड़ेगा और प्रिंटिंग फॉर्म में तो इसे इटैलिक में होना पड़ेगा एक रूल ये कहता है कि जिस भी साइंटिस्ट ने ये नॉर्मन क्लेचर दिया है उनका नाम शुड बी रिटर्न इन शॉर्ट आफ्टर द नॉर्मन क्लेचर और नेक्स्ट रूल ये कहता है कि साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट के नेम को ना तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा ना इटालिक में हम लिखते हैं ये हो गया ठीक है फिर हम लोगों ने ये टॉटरेंस वाला हो गया ये हो गया फिर हम बता रहे कि टाइप स्पीशीमैन हर्बेरियम मतलब टाइप स्पीशीमैन जो भी है न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट का इसे आपको हर्बेरियम में देना होता है दिस आर द थिंग्स इज इट क्लियर टू एवरी वन चलो ये हो गया मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन ले लूंगी नेक्स्ट ये तो हमने बायनोमियल सिस्टम की बात की थी नेक्स्ट जो है ट्राइनोमियल सिस्टम क्या है तो ये सुनिए ट्राइनोमियल सिस्टम जो है बेटा जूलियन प्रोपोज बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड एल एंड डी टी है ठीक है हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने प्रपोज किया ट्राइनोमियल सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है ट्राई यानी कि तीन जैसे बाइनोमियल सिस्टम दो वर्ड्स थे इसमें तीन है अगर अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किसी भी प्लांट स्पीशीमैन का जब हम नामकरण संस्कार करेंगे तो उसके तीन नेम होते हैं फर्स्ट वन इज़ द जेनरिक नेम सेकेंड वन इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट और थर्ड जो होता है इसके अंदर इट इज़ द सब स्पेसिफिक नेम अगर किसी स्पीशीज़ के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ हैं तब हमें ट्राइनोमियल सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसमें फिर उसकी तीसरा जो वर्ड होता है पहला तो जेनरिक नेम को ही दर्शाएगा ठीक है दूसरा आपके स्पेसिफिक एपिथेट को ही दर्शाता है और जो थर्ड जो है ये उसकी वेराइटीज उसके सब स्पेसिफिक एपिथेट होता है सब स्पेसिफिक नेम होता है जैसे कि मैंने बताया कब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा वेरिएशन है किसी स्पीशीज में जैसे कि गोभी ब्रेसिका ऑलोरेशिया बोट्राइटस ब्रेसिका ऑलोरेशिया कैपिटाटा एंड ब्रेसिका ऑलोरेशिया कोलोरापा तो ये तीन नाम है ना ब्रेसिका इज द जोनरिक नेम ऑलोरेशिया इज द स्पेसिफिक एपिथेट बॉट्राइटस कैपीटाटा एंड कोलोरापा ये आपके सब स्पेसिफिक नेम इसकी वेराइटीज है कैबेज कॉलीफ्लावर एंड नॉल नॉल तो जब किसी स्पीशीज में बहुत सारी वैराइटीज़ होती है तब आपके ट्राइनोमियल सिस्टम को यूज किया जाता है पहला नेम वही जेनरिक नेम दूसरा वही स्पेसिफिक एपिथेट तीसरा इसमें उसकी वेराइटी सब स्पेसिफिक नेम होता है और आपका ये जो ट्राइनोमियल सिस्टम है हक्सलर स्ट्रिकलैंड ने प्रपोज किया था पहला वर्ड की वर्ड, की पॉइंट दूसरा की पॉइंट क्या क्या जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट और आपका सब स्पेसिफिक नेम होता है इसके अंदर तीसरा कब यूज किया जाता है जब वेन द स्पीशीज स्पीशी तब आप इसको यूज करते हैं फोर्थ इसका ये एकमात्र आपको ध्यान रखना है ब्रेसिका ऑलोरेशिया बोट्राइटिस ब्रेसिका ऑलोरेशिया कैपिटाटा ब्रेसिका ऑलोरेशिया एस आई टोल्ड यू ब्रेसिका इट इज द जेनेरिक नेम ऑलोरेशिया इट इज द स्पेसिफिक एपिटाइट बॉट्राइटिस कैपिटाटा कॉलोरापा इसकी वैराइटीज का नाम है जैसे कि ब्रेसिका ये कॉलीफ्लावर को कहा जाता है ब्रेसिकॉलोरेशिया कैपिटाटा कैबेज के लिए कहा जाता है और ब्रेसिकॉलोरेशिया कॉलोरापा ये नॉल नॉल के लिए कहा जाता है ठीक है ये दिस आर थिंग्स ठीक है ये मेरे हिसाब से सबको याद हो गए होंगे इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स चलो दूसरा ये कुछ और जैसे आईसीबी इंटरनेशनल कोड ऑफ ये गलत लिखा हुआ है बैक्टीरिया ठीक है और एक ICTV है इट इज द इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस कुछ फुल फॉर्म्स और दे रखे हैं ठीक है आईसी और आईसी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमन क्लेचर फॉर बैक्टीरिया एंड इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस इट इज ऑल अबाउट दिस इज इट क्लियर टू एवरी वन इट इज ऑल अबाउट माई टूडेज सेशन ठीक है बस यहीं तक है नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी क्लासिफिकेशन आज नहीं हुआ है क्लासिफिकेशन हम कल के सेशन में करेंगे और जिस भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलेंगे आपको खैर यहाँ पर भी मिल जाएगा पी बट वहाँ पर भी मैं अवेलेबल करवाती हूँ ठीक है थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं अपनी किसी क्वेरी के लिए अन पर यहाँ पर ये इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन जितने भी लोग हैं सबके लाइक आने चाहिए अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है प्लीज़ हिट द लाइक बटन और आपको क्या करना है पहली चीज़ कल से बोर्ड वर्क चाहिए तो मुझे 50 के ऊपर कमेंट चाहिए आज कमेंट बॉक्स में कि मैम वी वांट बोर्ड वर्क टू विद द पीपीटी अगर ये कमेंट नहीं होगा तो कल जेनेटिक्स की क्लास जो हम करेंगे मैं उसमें बोर्ड वर्क नहीं करने वाली और जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे पता है बोर्ड वर्क से अच्छा समझ में आता है बट अगर मैम बोल रही है तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए बोर्ड वर्क तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स ठीक है तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस आप अगर ऐसे वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं आप तो क्या करना पड़ेगा प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल लेट्स क्रैक नीट यू जी एंड हिट द बेल आइकन जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आप कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे ठीक है और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है सिस्टमैटिक वे में अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर मेरी पर्सनल मेंटरशिप में मेरे पर्सनल गाइडेंस में और मेरे सुपर एट्टी जैसे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है और वहाँ एंट्री का तरीका वो एक पेड कोर्स है बच्चा ठीक है पेड कोर्स है उसको आपको प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करते वक्त मेरा ये कोड फिल करना पड़ेगा दैट इज़ शिवानी इससे आपको फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस आप सीधे सीधे मेरे गाइडेंस के अंदर आ देंगे मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर आप नीट की तैयारी करेंगे और ऐसा नहीं है कि जस्ट आप ये कोड यूज करेंगे एक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हैं फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या होगा ना इट वॉज नॉट लाइक दैट केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन सबसे खास बात हमारे प्लेटफॉर्म की ही ये है केवल एकमात्र सब्सक्रिप्शन और उससे संडे का बेटा मैं इसका टाइम टेबल अपलोड करती हूँ वैसे तो होती है संडे को भी क्लास और होगी आपकी और फिर भी इसकी पूरी जानकारी मैं आपको कल दे दूंगी ठीक है और आपको इससे क्या फायदा मिलेगा आप डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप में भी आ जाएंगे और मेरे उसमें आ जाएंगे आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको जो चाहिए वो ठीक है अच्छा एक चीज और मैं सबके कमेंट्स का रिस्पांस नहीं करती हूँ ठीक है लेकिन मैं पढ़ती सबके हूँ ठीक है रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं आप मुझे कोई आपकी क्वेरीज़ हो आप मुझे एडुकेटर ऐप पर मेरे फेसबुक मैसेंजर पर क्योंकि बच्चा आप समझते हो इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद दो से ढाई हज़ार एस हम रिसीव करते हैं रेगुलर डेली के तो उनको रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं होता बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उस सेम डे नहीं दो तीन दिन के अंदर मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँ हाँ हाई हेलो का जवाब नहीं मिलता क्योंकि जो काम की चीज़ होती है मैं उनको रिस्पॉन्ड करने की प्रेफरेंस पहले देती हूँ तो हाई हेलो का जवाब नहीं दे पाती मैं बट बाकी बाकी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी दूसरी चीज़ आप जो भी बात कमेंट्स के द्वारा वीडियो में कमेंट्स के द्वारा आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो मुझ तक जरूर पहुंचती है मैं भले ही रिस्पॉन्ड नहीं करती मैं कमेंट्स सारे देखती हूँ तो बोर्डवर्क वाले कमेंट्स मुझे चाहिए कल अगर बोर्डवर्क चाहिए तो ठीक है बाय एवरीवन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कल मिलेंगे इसी समय पर बाय